कानून है आप सर जी आप हर बार आबाद करके बोल भिजवा देते हैं। हम लोग साथ रहते तब भी करवा देते हमारी मांग सरकार तक पहुँच जाए, हम यही चाहते हैं। मुख्य सचिव ने भरोसा दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। ये तो मुख्य सचिव से हमें मंत्री आवास से किसी भी अधिकारी से मुलाकात करा जाए। अगर नीतीश कुमार जी ये छान लेंगे कि हमने 6 लाख का स्टूडेंट के साथ अन्याय करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्शन में उनको हरा सकते, यही कर सकते। तो हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार जी से मुलाकात करवाइए। अगर नीतीश कुमार जी नहीं मिलना चाहेंगे, जो भी नहीं मिलना चाहेंगे, हम भी जानते हैं उनको प्रधानमंत्री बनना है तो बिहार के युवा ही वोट देंगे, क्योंकि बिहार के युवा के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। सीएमओ से या सीएम आवास से किसी अधिकारी से बातचीत हो जाए ताकि डायरेक्ट नीतीश कुमार जी तक बात हो। जिस तरह परसेंटाइज पे सीएमओ ने कार्रवाई किया, सीएम हाउस ने कार्रवाई किया, वहाँ के अधिकारियों को बस हम लोग वही चाहते हैं कि ये हो जाए। हम लोग को कोई ये नहीं है नीतीश कुमार जी एक बार बोल देंगे या सीएमओ या मुख्यमंत्री आवास से कह दिया जाएगा कि आप लोग की मांग गलत है, तो आज के बाद बोलना भी छोड़ देंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे। बस हमारी ये बात मान लो सर, बस यही हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री से मिलने के दो तरीके हैं। पहला जनता दरबार में मिले, दूसरा किसी व्यक्ति या किसी समूह संगठन से मिलना है तो अपने लेवल पर वो आवेदन देते हैं और फिर माननीय मुख्यमंत्री उसको देखते हैं और समझते हैं कहाँ इस समूह से किस व्यक्ति से मिलना है। आपके दिए गए नंबर पर फोन जाता है और आपको समय दिया जाता है, फिर वो बुलाते हैं, कम बोल देते हैं। यही प्रक्रिया है, दो प्रक्रिया से आप मिल सकते हैं। हम लोग भी एक समूह नहीं रुकिए ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन ये आंदोलन हो रहा है, इसका एक अलग प्रक्रिया होता है। इस सरकार के जो प्रतिनिधि है हम जिला प्रशासन के तरफ से, आपको ये पूरा अधिकार है, आपके पास पावर है, आप इसको हस्तक्षेप करके ईमानदारी सीएम को या सीएम हाउस से आप बात करवा सकते हैं, किन्हीं अधिकारी से हमारी बात पहुँचा सकते हैं। हमें कोई चाहिए होगा सर, हम अभी जाएंगे यहाँ से कल कहीं से कोई ऐसी गलत बात के बारे में हमें नहीं।